नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज की ये रात एक भयावह रात आप इसको कह सकते हैं। इस समय हम खड़े हैं ट्रेन में, आप देख सकते हैं ट्रेन का नजारा आपको दिखाई दे रहा है। इस समय रात के करीब 4 बजने को है और 12 बजे के आसपास, 12:30 के आसपास मैंने अपने चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो डाला था, जिसमें मैंने बताया था किस तरह से निम्बाहेड़ा में कुछ कांड हुआ और 2 गुटों में आपस में मारपीट हुई। निम्बाहेड़ा में वो मारपीट हुई, उसका असर क्या हुआ? तो उसका असर ये हुआ कि इस समय हम खड़े हैं रतलाम में, रतलाम जंक्शन में ये गाड़ी खड़ी है अभी भी, और यहाँ आप विजुअल्स में देख सकते हैं आपको खून ही खून दिखाई दे रहा है। क्योंकि यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शन है, इसके लिए हम आपको ये खून प्रॉपर तरीके से दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन ये खून है। और रतलाम में यहाँ गाड़ी जब रुकी तब उन 2 गुटों में से एक गुट ने एक काफी यंग लड़के को टारगेट करके उसके पैर में किसी धारदार हथियार से वार किया। वो गाड़ी के अंदर ही, जो मैं अपने पहले के वीडियो में बोल चुका हूँ कि सुरक्षा व्यवस्था क्या, उसका सवाल मैं उठा चुका हूँ, तो वही सुरक्षा व्यवस्था की गाड़ी के अंदर ही वो जब उसके पैर में उस धारदार हथियार से वार किया, उसके बाद में वो लड़का लहूलुहान हो गया। लहूलुहान होकर गाड़ी से बाहर निकला, उसको यहाँ पर अभी फिलहाल स्ट्रेचर पर उपचार के लिए ले जाया जा चुका है। इस दौरान मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, अब वीडियोस आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपकी वीडियो चल रहे हैं। अब इसमें जिम्मेदार कौन? आपको ये बता दूं कि मामला शुरू हुआ था, कुछ गाड़ी में भीड़ बहुत ज्यादा होने की वजह से एक दूसरे को पैर लगने से कुछ हल्के विवाद से मामला शुरू हुआ, लेकिन वह विवाद बड़ी मारपीट में तब्दील हो गया। बड़ी मारपीट में तब्दील होने के बाद प्रशासनिक तौर पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। यह सबसे बड़ा धब्बा है इस पूरे कांड में। जब यह निम्बाहेड़ा में यह कांड हुआ, वहां पर चेन पुलिंग की गई थी। चेन पुलिंग हुई तब गार्ड अटेंडेंट आया था, उनको मालूम था कि यहाँ ऐसा कुछ मामला हो चुका है, लेकिन आरपीएफ या जीआरपी कोई आई नहीं। उसके बाद साथ ही साथ गाड़ी में जो अटेंडेंट, कोच में जो टीटी थे, उनको भी पूरे मामले की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने भी अपने स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने खुद अपना वीडियो जो बनाया था ट्विटर पर, आरपीएफ को टैग करके वो वीडियो ट्विटर पर डाला। आरपीएफ ने मुझे फोन करके ये कहा कि आपकी हम कंप्लेन लेते हैं, इस कंप्लेन पर हम एक्शन लेंगे, लेकिन आगे नीमच निकला, मंदसौर निकला और कोई एक भी मदद आई नहीं और ये गाड़ी सतत चलते चली गई। फिर आखिरकार गाड़ी जब रतलाम पहुंची तो इतना बड़ा कांड हो गया। फिलहाल उस लड़के की क्या हालत है इसकी जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि वो यहां से जा चुका है, उसको स्ट्रेचर पे ले जाया गया है, लेकिन इतनी काफी ब्लीडिंग हुई है कि उसके साथ क्या होगा एक सवाल या निशान है। यहां के भी आरपीएफ को, मैंने जीआरपी को अपने स्तर पर मैंने इत्तला की, उनको मैंने बताया, तब बीच में टीटीई ने टोकते हुए यह कहा हमने कार्रवाई की थी, क्योंकि टीटीई सरासर झूठ बोले हैं। क्या टीटीई का काम सिर्फ टिकट चेक करना है, यात्रियों की सुरक्षा पे ध्यान देना नहीं है? यह सवाल बड़ा है। इस वीडियो में आप टीटीई को देख सकते हैं, टीटीई से मैंने सवाल किया तब टीटीई उस सवाल को झटका दे रहे हैं। क्या यही रेल यात्रियों की सुरक्षा है? क्या यही हमारे देश की व्यवस्था है? सवाल काफी बड़े हैं। अभी त्योहारी समय है और काफी भीड़ है, कई लोगों की टिकट इस समय वेटिंग रह जाती है और उनको मजबूरीवश ऐसी भीड़ में सफर करना पड़ता है। जहां ऐसे हालात होते हैं, काफी लो टेम्पर आज का ये वातावरण हो चुका है, छोटी छोटी बातें बड़े बड़े विवाद बन जाते हैं, और ऐसा एक विवाद जिसकी स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो आरपीएफ तक और रेल मंत्रालय तक, बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक
जरूर पहुंचाइए। पीएमओ को ये मालूम होना चाहिए कि वंदे भारत को हरी झंडी दिखाना वो देश का विकास नहीं है। देश का विकास है हर आम आदमी की सुरक्षा करना, हर आम आदमी को जरूरत लगने वाली एक एक व्यवस्था उपलब्ध कराना। वंदे भारत हर आम आदमी के बस की बात नहीं है। आम आदमी को स्लीपर कोच चाहिए। अभी के लिए यही रुकता हूँ, नमस्कार। जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे बांध दो। ओ सर जी, ये आपने निम्बाड़ा में एक्शन नहीं लिया ना, उसका नतीजा है। आपने निम्बाड़ा में एक्शन नहीं लिया ना, उसका नतीजा है। आपका टिकट क्या है? मोबाइल में। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरफराज है, सरफराज चौहान। छोटी छोटी बातों में विवाद हो गया, काफी आगे बढ़ गया, आपने बताई दिए इसके अंदर। मेरा बोलना ये है कि अभी S1 जो स्लीपर क्लास है, ये S13-14 तक लगते थे, 16 तक लगते थे, अब ये S5 S6 में सिमट गए और AC डब्बे बढ़ गए। पब्लिक जो स्लीपर क्लास की चल रही है, वेटिंग लेके चल रही है, ऑर्बिट इसकी व्यवस्था कर रही है, उसका साइड इफेक्ट है, जो हादसा हुआ है उसका साइड इफेक्ट है। अच्छा, कोई मदद आई थी क्या बीच में? फिलहाल तो कोई मदद तो नहीं आई, बोले पुलिस आएगी, बंसोर गया, वो नीमच गया, लेकिन कोई नहीं आया। बस ये ऐसे ही चल रही थी गाड़ी, पब्लिक ही वोट देती है। सिर्फ ATTC चल रहा था मेरे ख्याल से, एक या दो थे वो, लेकिन वो भी बेचारे क्या करते, मेरे हिसाब से तो वो भी वो चल ही रहे थे, वो भी वेटिंग अपने हिसाब से काम कर रहे थे। बच्चों को मारा गया है, तो यहाँ पे बच्चों को ये जो छीना झपटी हुई थी, जो मारपीट हुई थी, उस मारपीट में इन छोटे छोटे बच्चों को भी मार लगी थी। ये चाचा को, बुजुर्ग को भी मार लगी हुई है। चाचा आपको कहाँ लगी? देखो नहीं लगा। आप कहाँ से सफर कर रहे? कहाँ? मैं जियारत के लिए गया था वहाँ, हमने ग्रुप जियारत करके आ रहे थे, जियारत करके आ रहा था। बच्चों ने देखो चिल्लम चली। बट आपका नाम क्या है? मेरा क्या हुआ था? आप लोग जब निम्बाड़ा से गाड़ी निकली तो सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरफराज है, सरफराज चौहान। छोटी छोटी बातों में विवाद हो गया, काफी आगे बढ़ गया, आपने बताई दिए इसके अंदर। मेरा बोलना ये है कि अभी S1 जो स्लीपर क्लास है, ये S13-14 तक लगते थे, 16 तक लगते थे, अब ये S5 S6 में सिमट गए और AC डब्बे बढ़ गए। पब्लिक जो स्लीपर क्लास की चल रही है, वेटिंग लेके चल रही है, ऑर्बिट इसकी व्यवस्था कर रही है, उसका साइड इफेक्ट है, जो हादसा हुआ है उसका साइड इफेक्ट है। अच्छा, कोई मदद आई थी क्या बीच में? फिलहाल तो कोई मदद तो नहीं आई, बोले पुलिस आएगी, बंसोर गया, वो नीमच गया, लेकिन कोई नहीं आया। बस ये ऐसी चल रही थी गाड़ी, पब्लिक ही वोट देती है। सिर्फ ATTC चल रहा था मेरे ख्याल से, एक या दो थे वो, लेकिन वो भी बेचारे क्या करते, मेरे हिसाब से तो वो भी वो चल ही रहे थे, वो भी वेटिंग अपने हिसाब से काम कर रहे थे। बच्चों को मारा गया है, तो यहाँ पे बच्चों को ये चाचा को जो छीना झपटी हुई थी, जो मारपीट हुई थी, उस मारपीट में इन छोटे छोटे बच्चों को भी मार लगी थी। ये चाचा को, बुजुर्ग को भी मार लगी हुई है। चाचा आपको कहाँ लगी? देखो नहीं लगा। आप कहाँ से सफर कर रहे? कहाँ? मैं जियारत के लिए गया था वहाँ, हमने ग्रुप जियारत करके आ रहे थे, जियारत करके आ रहा था। बच्चों ने देखो चिल्लम चली। बट आपका नाम क्या है? मेरा क्या हुआ था? आप लोग जब निम्बाड़ा से गाड़ी निकली तो सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरफराज है, सरफराज चौहान। छोटी छोटी बातों में विवाद हो गया, काफी आगे बढ़ गया, आपने बताई दिए इसके अंदर। मेरा बोलना ये है कि अभी S1 जो स्लीपर क्लास है, ये S13-14 तक लगते थे, 16 तक लगते थे, अब ये S5 S6 में सिमट गए और AC डब्बे बढ़ गए। पब्लिक जो स्लीपर क्लास की चल रही है, वेटिंग लेके चल रही है, ऑर्बिट इसकी व्यवस्था कर रही है, उसका साइड इफेक्ट है, जो हादसा हुआ है उसका साइड इफेक्ट है। अच्छा, कोई मदद आई थी क्या बीच में? फिलहाल तो कोई मदद तो नहीं आई, बोले पुलिस आएगी, बंसोर गया, वो नीमच गया, लेकिन कोई नहीं आया। बस ये ऐसी चल रही थी गाड़ी, पब्लिक ही वोट देती है। सिर्फ ATTC चल रहा था मेरे ख्याल से, एक या दो थे वो, लेकिन वो भी बेचारे क्या करते, मेरे हिसाब से तो वो भी वो चल ही रहे थे, वो भी वेटिंग अपने हिसाब से काम कर रहे थे। बच्चों को मारा गया है, तो यहाँ पे बच्चों को ये
चाचा को भी, जो छीना झपटी हुई थी, जो मारपीट हुई थी, उस मारपीट में इन छोटे छोटे बच्चों को भी मार लगी थी। ये चाचा को बुजुर्ग को भी मार लगी हुई है। इनके सर पे भी लगा है। चाचा को लाइट बदल गई, लाइट चल गई, लाइट तो इनके सर पे भी मार लगी। चाचा आपको कहाँ लगी? देखो नहीं लगा। आप कहाँ से सफर कर रहे? कहाँ? मैं जियारत के लिए गया था वहाँ। अजमेर ग्रुप जियारत करके आ रहे थे जी। जियारत करके आ रहा था। बच्चों ने देखो चिल्लम चली। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा क्या हुआ था? आप लोग जब निम्बाड़ा से गाड़ी निकली तो सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरफराज है। चौहान। सरफराज चौहान। छोटी छोटी बातों में विवाद हो गया, काफी आगे बढ़ गया, आपने बताई दिए इसके अंदर। मेरा बोलना ये है कि अभी S1 जो स्लीपर क्लास है, ये S13-14 तक लगते थे, 16 तक लगते थे, अब ये S5-S6 में सिमट गए और AC डब्बे बढ़ गए। पब्लिक जो स्लीपर क्लास की चल रही है, वेटिंग ले लेके चल रही है, ऑर्बिट इसकी व्यवस्था कर रही है, उसका साइड इफेक्ट है, जो हादसा हुआ है उसका साइड इफेक्ट है। अच्छा, कोई मदद आई थी क्या बीच में? फिलहाल तो कोई मदद तो नहीं आई, बोले पुलिस आएगी, बंसोर गया वो, नीमच गया, लेकिन कोई नहीं आया। बस ये ऐसी चल रही थी गाड़ी, पब्लिक ही वोट देती है। सिर्फ एक ही टीसी चल रहा था मेरे ख्याल से, एक या दो थे वो, लेकिन वो भी बेचारे क्या करते, मेरे हिसाब से तो वो भी वो चल ही रहे थे, वो भी वेटिंग अपने हिसाब से काम कर रहे थे। बच्चों को मारा गया है और यहाँ पे बच्चों को ये चाचा को भी, जो छीना झपटी हुई थी, जो मारपीट हुई थी, उस मारपीट में इन छोटे छोटे बच्चों को भी मार लगी थी। ये चाचा को बुजुर्ग को भी मार लगी हुई है। चाचा आपको कहाँ लगी? देखो नहीं लगा। आप कहाँ से सफर कर रहे? कहाँ? मैं जियारत के लिए गया था वहाँ। अजमेर ग्रुप जियारत करके आ रहे थे जी। जियारत करके आ रहा था। बच्चों ने देखो चिल्लम चली। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा क्या हुआ था? आप लोग जब निम्बाड़ा से गाड़ी निकली तो गूगल पे बार कोड को स्कैन कर गूगल पे के जरिए भी हमें आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।